हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग लैडर फ्रिक्शन। लास्ट में हमने किया था जिसमें हमने डिस्टेंस निकाला था कि कब वो स्लाइड करना शुरू होगा अगर कोई आदमी चढ़ रहा है। इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस नहीं निकालना है, हमें ये फोर्स पी निकालनी है, राइट। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या डेटा हमें गिवन है। सबसे पहले लैडर ए बी इज शोन इन द फिगर एंड इट्स वेट इज़ 200 न्यूटन। इसका मतलब लैडर का जो हमारा वेट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 200 न्यूटन। देन द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज़ म्यू बिटवीन लैडर एंड वॉल इज़ 0.2। यानी ये जो लैडर है और ये जो वॉल है इसके बीच का जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब अगर पॉइंट बी को हम कंसिडर करेंगे तो वो है हमारा 0.2, यानी कि म्यू भी हम लिख देते हैं 0.2। और फिर लैडर और फ्लोर के बीच का जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.5। यानी ये जो लैडर है और ये फ्लोर, ये पॉइंट ए के थ्रू कांटेक्ट में है, यानी यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा म्यू ए, वो हमारा हो गया 0.5। लास्ट क्वेश्चन जब हमने किया था उसमें सेम था, तो म्यू ए म्यू बी दोनों सेम थे म्यू, बट यहाँ पे अलग अलग दिया है तो अलग अलग यूज़ करना है। देन डिटरमाइन द फोर्स, इसमें हमें फोर्स निकालनी है, ठीक है। पी विच इज़ अप्लाइज हॉरिजॉन्टली एट द बॉटम टू जस्ट प्रोड्यूस मोशन टू द लेफ्ट। यानी कि अगर ये फोर्स यहाँ पे पी लग रही है तो ये फोर्स इस सीढ़ी को, इस लैडर को इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगी, ठीक है। यानी ये ऐसे करके कुछ स्लाइड हो जाएगा, तो ये मोशन कितनी फोर्स लगाने पे होगा, हमको ये पी फोर्स निकालना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस निकाला था कि आदमी किस डिस्टेंस पे होगा, वो चीज़ हमने फाइंड आउट की थी, तो यहाँ पे हमें पी निकालना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमको कुछ नहीं करना, फ्री बॉडी डायग्राम पहले हमें इसका बनाना होगा। तो अगर हम इसको एज इट इज़ फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमको यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें हम रिएक्शंस वगैरह शो करते हैं। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट देखेंगे। ए पॉइंट पे अगेन इस फ्लोर और लैडर के बीच में एक रिएक्शन फोर्स आएगी, इसको आर ए लिख देते हैं। और अगेन इस लैडर का जो मोशन है वो आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है मोशन, ठीक है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी इस तरफ, तो ये हमारी फ्रिक्शन फोर्स है विच इज़ म्यू ए आर ए। और हम बी पे आएंगे फिर से। बी पे हमारा एक रिएक्शन लगेगा, वॉल से परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के, तो ये रिएक्शन हमने परपेंडिकुलर दिखाया, ये आर बी हो गया। और क्योंकि जब ये आगे की तरफ बढ़ेगी सीढ़ी, खिसकेगी जब ये लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब इसका मोशन इस तरह से होगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगेगी, और इसको हम म्यू बी आर बी कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वेट दे रखा है, तो इसका जो वेट होगा वो इस लैडर के सेंटर पे एक्ट करेगा, यानी यहाँ पर जो भी इसकी लेंथ होगी उसके एल बाई टू पे, यहाँ पर हमारा 200 न्यूटन का एक वेट हमारा एक्ट करेगा जो कि गिवन है क्वेश्चन में। तो ये हो गया वेट ऑफ द लैडर। अब हम इक्विलिब्रियम फोर्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इंक्लिनेशन ये थीटा नहीं दिया है, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी भी तो हम टैन थीटा करके निकाल सकते हैं। अगर हमें टैन थीटा निकालना है तो इधर 6/4.5 करके निकाल भी सकते हैं, बट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम ये काम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखते हैं। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ए से शुरू करेंगे, राइट साइड वाली पॉजिटिव है तो ये पी हमारी ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो दिस विल बी माइनस पी और ये हमारी पॉजिटिव होगी। म्यू ए की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे, म्यू ए इज 0.5, तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 इंटू आर ए, राइट। और फिर ये हॉरिजॉन्टल फिर से लेफ्ट में, दिस विल अगेन माइनस में, ये हमारा हो गया आर बी, राइट। तो ये हमारी बन गई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारी हो गई यहाँ पर पहली इक्वेशन, ठीक है। अब हम दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, उसको हमें वर्टिकल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम दिखाना है। तो एफ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, अपवर्ड फोर्सेस विल बी पॉजिटिव। ए से शुरू करते हैं, आर ए अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव आ गया। देन यहाँ पे बी पे आएंगे तो ये भी अपवर्ड है अगेन। म्यू बी की जो वैल्यू है इट इज़ 0.2 गिवन है, तो ये 0.2 आर बी, और फिर ये डाउनवर्ड है तो ये फिर से नेगेटिव, माइनस 200 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम इसको लिख सकते हैं आर ए प्लस 0.2 आर बी इक्वल्स टू 200, राइट। तो यहाँ से ये हमको मिल गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब हम लास्ट देखते हैं मोमेंट। तो हम क्लॉकवाइज मोमेंट जितने भी होते हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं, और अगेन हमें एम ए पे मोमेंट निकालना है। हम यहाँ पे मोमेंट निकालेंगे ए पॉइंट पे। तो सारी फोर्सेस देखते हैं, तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे डिस्टेंसेस दिए हैं, थीटा की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा डिस्टेंस निकालेंगे,
ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से शुरू करते हैं, ए पे 0, बी से शुरू करेंगे तो आर बी हमारा जो मोमेंट क्रिएट करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये माइनस में होगा, तो माइनस आर बी, और इसका जो डिस्टेंस है हम इस पॉइंट से, ये वर्टिकल डिस्टेंस देखेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये हो गया 6, ठीक है। फिर हम आएंगे यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स को देखेंगे, तो ये भी हमारा जो मोमेंट क्रिएट करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि ये भी माइनस में होगा, तो हम इसको लिखेंगे प्लस, फिर ये माइनस में आ गया माइनस, या हम सीधे इसको माइनस भी कर सकते हैं। ये हमारा म्यू भी हमारा फिर से 0.2 आर बी, और जो इसका डिस्टेंस है इस फोर्स का वो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा 4.5, तो ये हो गया 4.5, ठीक है। फिर हम 200 पे आएंगे, अब 200 हमारा क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा जो मोमेंट है, तो ये प्लस में होगा और दिस विल बी 200, और ये अगर सेंटर में है इसके, ठीक है, तो यहाँ से भी ये अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो सेंटर ही लेंगे, इसका हाफ लेंगे 4.5 का हाफ, तो 200 इंटू 4.5 हम यहाँ पे लिखेंगे 4.5 अपॉन 2 हाफ, और ये पूरा का पूरा हमारा बराबर हो जाएगा 0 के, राइट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे जो अननोन वैल्यू है आर बी, बाकी सारी चीज़ें नोन है, तो यानी इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, ये जो थर्ड इक्वेशन हमारी बनी है, इससे हमें यहाँ पे आर बी मिल जाएगा, और ये हमारा बराबर आएगा 65.217 न्यूटन, यानी ये हमारा आर बी हमको मिल गया, ठीक है। अब इस आर बी को जब हम इक्वेशन 2 में रखेंगे, देखें आप यहाँ पे, तो आर बी को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से हमको यहाँ पे हमारे आर ए की वैल्यू मिल जाएगी, यानी यहाँ से हम आर ए निकालेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो आर ए हमारा आ जाएगा 186.956 न्यूटन, यानी ये हमें आर ए भी मिल गया, ठीक है। अब फाइनल आंसर, अब देखें आर बी आर ए मिल चुका है, अब हम इक्वेशन 1 को देखते हैं, यहाँ पे आर ए आर बी हम निकाल चुके हैं, तो जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको हमारा पी मिल जाएगा, विच विल बी 28.261 न्यूटन, और यही हमारा आंसर था। हमसे यही पूछा गया था कि कितनी हॉरिजॉन्टल फोर्स हम यहाँ पर लगाएं पी, कि ये जो सीढ़ी है ये हमारी इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर जाए, तो ये हमने आंसर यहाँ पे निकाल लिया, विच इज़ 28.261, ठीक है। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, इसमें थीटा का कोई यूज़ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगी, उसमें एक कॉम्बिनेशन ले लेंगे तो एक और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।